हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के फर्स्ट पोएम पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा नाम है आशा टीचर। फर्स्ट पोएम का नाम है व्हाट इज द बर्ड एंड थॉट। ये बर्ड क्या सोचता है, इसका ये मीनिंग है। आई लिव्ड फर्स्ट इन लिटल हाउस। मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था। कौन रहता था? एक बर्ड। हाउस मुझे घर, लिटल मुझे छोटा सा, उसका मीनिंग होता है। ये बर्ड क्या बोलता है फर्स्ट लाइन में कि वो छोटे से घर में रहता था। एन एंड लिव्ड एन वेरी वेल। और वो बहुत अच्छी तरह से रहते थे। क्या करते थे? लिव्ड मुझे रहना, वो वेरी वेल, वो अच्छे घर में रहते थे। द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड। एक उसकी, वो बर्ड की छोटी सी एक दुनिया थी और गोल गोल ऐसी उसकी दुनिया थी। एंड मेड एंड पेल ब्लू सेल, जो गोल और हल्के रंग के कवच से बनी रहती है, ब्लू सेल वैसी उसकी दुनिया थी। आई लिव्ड नेस्ट एंड लिटल नेस्ट। मैं एक छोटे से घोंसले में रहता था। नॉट नीड एनी अदर और न मी कुछ अन्य जरूरी थी। आई थॉट मी वर्ल्ड वॉज मेड इन द स्ट्रॉ। मुझे लगता था कि दुनिया भरी मुझे भूसे की जैसे बना लेती। आई कवर्ड माई मदर, और मेरी माँ क्या करती थी, वो मेरे को सुरक्षा कवच पहनाती थी। वन डे आई द ब्रूटेड फॉर्म इन द नेस्ट। मैं एक दिन क्या निकला, घोंसले से निकला। टू सी वॉट आई कोड इन द पाइन, ये देखकर मुझे लिए मुझे मिल सकता है। मैं एक दिन क्या हुआ, मैं घोंसले से निकला और मैं वो देख रहा था। आई सेड इन द वर्ल्ड मेड इन द लीव। मैंने देखा कि दुनिया की पत्तियों से बनी है। आई हैव इट द बीन वेरी एंड द प्लेन, लेकिन ये मेरी क्या थी, ये गलत फहमी थी। एट एंड लॉस्ट एंड फ्लू एंड द बॉय एंड एंड द ट्री। कम से कम मैंने पेड़ पे उड़ान तो भरी। मैं छोटा था तभी क्या किया, मेरी माँ ने मेरे गोद को ये किया और मैं लास्ट में कम से कम क्या किया, उड़ान भरी। एंड सॉ इज द स्काई एंड द ब्लू, और आकाश में इतनी दूर नीले गगन पे गया कि मैं उड़ता ही रहा। नाउ हाउ इज द वर्ल्ड एंड द रियली मेड। अब दुनिया के वास्तव में मैं कैसे बनी है ये मुझे पता नहीं था। आई कैन नॉट टेल कैन यू, मैं नहीं बता सकता, क्या आपको ये बता सकता हूँ मैं। हेलो स्टूडेंट, ये पोएम वन टाइम लिखना है और इसको लर्न करना है।